नमस्कार, मैं वेद प्रकाश, धाकड़ है हरियाणा में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम पहुंचे हैं गांव हलवास में, और हलवास में आज एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए हमारे बीच में पहुंचे हैं प्रदीप बारवास जी, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय भीम सेना के। सर स्वागत है। स्वागत है आपका चैनल का, धन्यवाद। सर आज हम बात करेंगे विभिन्न मुद्दों पर। सर स्वागत है आपका, धन्यवाद आपका। सर आज प्रदेश में अनुसूचित जाति के उत्पीड़न की बात की जाए तो अभी हाल ही की घटना 18 तारीख की जुलाना में एक दलित समाज के युवक की पुलिस ने बेरहमी से हत्या कर दी गई। उस पर इतनी बुरी तरह से उसको प्रताड़ित किया गया, हम कैमरे के सामने बता भी नहीं सके, इतनी बुरी तरह से उसको प्रताड़ित किया है और उसकी हत्या कर दी गई। सर क्या कहना चाहेंगे? अभी तक आरोपी पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा तक दर्ज नहीं हुआ है। सर सर हमें बहुजन समाज के सभी संगठनों से कहना चाहता हूँ, एक हो जाओ आप, हमारे बहुजन समाज पर बहुत उत्पीड़न होता है सर। अब ये जो पुलिस चौकी में है, पुलिस हमारा सबसे ज्यादा शोषण करती है। तो क्या रूप रहेगा सर भीमसेना का? भीमसेना का रहेगा सर, दो चार दिन देख रहे हैं, कल तक बात नहीं तो हम आंदोलन के लिए उन परिवार से संपर्क करेंगे, एक बड़ा आंदोलन की एक रूपरेखा बनाएंगे। अभी सर पिछले दिनों भिवानी जिले के गांव बीरण में भी एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई और पुलिस ने उसकी डेड बॉडी घटना स्थल से 2 किलोमीटर दिखाई। क्या फाइनल अब तक हो पाया उसमें? उसमें सर आरोपी अंदर है और उसमें जांच चली हुई है, हमारी लगातार बात हो रही है, उसमें एक आरोपी को बचाया जा रहा है, वो बता रहे हैं किसी एमएलए के अप्रोच में है। हम डीजीपी से भी बात, एसपी से भी बात हुई थी, अगर वो नहीं कर पाया तो हम फिर मिलेंगे, 5-7 दिन के बाद हम फिर मिलेंगे एसपी साहब से भी होने। सर चरखी दादरी जिले की बात की जाए, चरखी दादरी जिले में भी हाल ही में अब एक लड़की के साथ गैंगरेप हुआ और उसकी उसने लड़की ने सुसाइड किया, क्या कहना चाहेंगे सर? सर हमने उनको बहुत गहराई से उनको परिवार का साथ दिया है, हम तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर दिए और उनको सलाखों के पीछे भिजवा दिए, अभी उनको ऊपर चार्जशीट लगी हुई है, उसमें जो भी होना है। और ये घटनाएं दिन प्रतिदिन क्यों बढ़ती जा रही है? सर मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ, बहुजन समाज से सभी से एक हो जाओ, जुलम और अत्याचार नहीं होगा। पिछले दिनों हिसार में भी हत्याकांड हुआ था और उसमें भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रावण भी आए थे, तब जाकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई और उसका दाह संस्कार किया गया डेड बॉडी का, और काफी दिन तक वो मामला चला था। बिल्कुल चला था सर, उसमें भी बहुत बुरा है। मैं तो यही सबसे यही होता है जी, एक हो जाओ, क्योंकि हम अलग अलग संगठन बना के हमने झंडा तार लेना, डंडा एक ले बना के रखना है, हमारे साथ कभी भी अत्याचार नहीं होगा। हर जिले में सैकड़ों की संख्या में संगठन बने हुए हैं, लेकिन जब उत्पीड़न की बात आती है तो वो सब संगठन नदारद रहते हैं। सर क्या कारण है? सर हमें एक नहीं हो पा रहे, हम अपने चेहरे चमकाने के लगे हुए, हम समाज के को न्याय दिलाने के लिए नहीं लगे हुए सभी संगठन। तो सभी को एकजुट करने के लिए आप लोग क्या रणनीति अपनाने जा रहे हैं? हम तो सबको कह रहे हैं सर, हम आप पहल हम करेंगे, भीमसेना सबसे पहले पहल करेगी, हम एक होने का आप सभी करो सर, प्रयास करो। तो कैसे प्रयास कर पाएंगे सर आप? सर प्रयास तो ऐसे होगा जैसे कोई आंदोलन होता है, हम अपने अपने बैनर लेके अपने अपने झंडे लेके आते हैं, उनको झंडक और बैनर को छोड़ के अगर उस टाइम हम एक हो जाएं, एक लड़ाई लड़े, परिवार की तरफ देखें तो हम ये काम हो सकेगा सर, और वहाँ पर चेहरा न चमकाए। पिछले दिनों हम बात करेंगे जिला जींद में भी पीड़ित परिवार अभी भी आंदोलन करते हैं, जिला मुख्यालय पर धरने पर बैठे हैं, गांव छत्र का मामला, गांव खापड़ का मामला, गांव खरक गालिया का मामला है, तीनों मामले में पीड़ितों का सामाजिक बहिष्कार भी किया है, लेकिन पुलिस और प्रशासन कार्रवाई करने के मूड में नहीं है, सरकार का पूरी तरह से उनको संरक्षण है, क्या कहना चाहेंगे? सर ये तो सरकार का ही पूरा उनको मिली भगत है सर, हम लोगों को हर जगह दबाया जाता है सर, हम तो ये कह रहे हैं सर, जो जींद वाले मामले में हमने पूरी वहाँ पर गए थे, कोशिश की थी, लड़ाई की और फिर हम आंदोलन करने के लिए तैयार है, भीमसेना अगर जींद खापड़ में अगर बैठे हैं उनसे फिर कहते हैं हम तैयार हैं उनके साथ।
जींद वाले मुद्दे पर लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, जो पूर्व सांसद राजकुमार सैनी जी, वो भी आए। उस दौरान वहां पर लाठीचार्ज भी किया गया, लेकिन पुलिस जो पीड़ितों पर तो लाठीचार्ज करती है लेकिन आरोपियों के खिलाफ कभी कार्रवाई नहीं करती, क्यों? तो सर है, आरोपियों को गिरफ्तार तो करती नहीं सर, निर्दोषों को करती। आज हम किसी की आवाज उठाएंगे तो हमारे भी मुकदमा लग जाएंगे। आज फिलहाल भी मैं अपनी टीम को शिवानी में भेज रखा है सर, एसपी साहब के। एक साल से मुकदमा है, हमारे समाज को मार के डाल रखा है, लेकिन आरोपी आज एक साल तक भी गिरफ्तार नहीं हो रहा है। अभी टीम गई हुई है, अगर शिवानी एसपी साहब को बताना चाहते हैं, अगर कार्रवाई नहीं करेगा तो हम आंदोलन शिवानी बहुत बड़े स्तर पर एक आंदोलन करने जा रहे हैं। क्या मामला है सर शिवानी के, बताएंगे थोड़ा विस्तार से? शिवानी में एक दबंग लोगों ने अपने बहुजन समाज को, दलित को बहुत पीटा। उसके बाद पैसे थे उनके पास, ठेके थे, दारू के ठेके वगैरह, ठेकेदार है। आज तक उन्होंने गिरफ्तारी नहीं की, केस खारिज करवा दिया उन्होंने कोर्ट में। चंडीगढ़ जाके उन्होंने फिर ओपन करवाया। अभी पीछे आंदोलन किया था हमने बिरण मामला, जब भी एसपी साहब से भिवानी से भी मिले थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया था एक हफ्ते में हम ये कार्रवाई करवा देंगे। अभी तक कुछ नहीं हुआ, उनको गिरफ्तार नहीं हुआ, कम से कम एक महीने से ऊपर की बात होगी। कुछ समय पूर्व की बात है जी, कांग्रेस के जो सांसद रहे, कांग्रेस के नेता रहे अशोक तंवर, उनको भी लाठी डंडों से पीटा गया था। उस मामले में कार्रवाई हुई, जब एक इतने बड़े स्तर का नेता भी सुरक्षित नहीं है तो आम शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति कैसे सुरक्षित हो पाएगा सर? ये तो नहीं, बीजेपी सरकार में नहीं हो पाएगा सर। हम लोगों पर बहुत जुल्म और अत्याचार होते हैं सर, इसीलिए मैं सभी को कह रहा हूँ, बहुजन समाज से सभी से अपील करता हूँ कि एक हो जाओ भाई, झंडा छोड़ दो, डंडा उठा लो। ये डंडा कब उठा पाएंगे सर? सर कितना समय लगेगा? सर लगेगा, आ रहे हैं, कुछ परसेंट हुआ है तैयारी, लगेगा टाइम सर, थोड़ा लोग जागरूक हो रहे हैं, युवा पीढ़ी आएगी उठाएगी सर। पिछले दिनों हम पंचकुला की बात करते हैं, पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में रायपुर रानी में भी इस तरह की घटना हुई और वहां पर अनुजाति समाज का सामाजिक बहिष्कार हुआ और उनके साथ मारपीट की गई, लेकिन कई दिनों तक धरना चलता रहा, तब जाकर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो पाया, लेकिन गिरफ्तारी आज तक भी नहीं हो पाई है। सर गिरफ्तारी तो आप किसी मामले को उठा के देख लो, गिरफ्तारी तो नहीं होती सर। एक जज का पीछे आंदोलन लड़ा था, आज तक उसकी भी नहीं हुई। हम आंदोलन लड़ते हैं इसीलिए सोचते गिरफ्तारी तो करती ही नहीं पुलिस हमारी। फिर सर आंदोलन लड़ने का फायदा क्या हुआ, जब आरोपी गिरफ्तार ही नहीं होते हैं, उनको सलाखों के पीछे नहीं भेजा जाता है, तो क्या फायदा फिर आंदोलन लड़ने का? सर हमने आंदोलन लड़ने का फायदा ये हुआ, आगे से आने वाले टाइम में सभी को, जब तक गिरफ्तार नहीं है जब तक आंदोलन में उठना नहीं चाहिए सर। हम क्या करते हैं सर, झुकी अपने साइड में बैठ जाते हैं, साइड में नहीं रोडों पे बैठना पड़ेगा सर। हम बात करें अधिकार की बात, तो पिछले दिनों जाट आरक्षण आंदोलन हुआ, सड़कों पर लोग बैठे और वो लोग सफल भी रहे, लेकिन हम लोग मुकदमे लगने से डरते हैं, तो कैसे हम रोड पर बैठ पाएंगे जब मुकदमे से हम इतने डर लगता है? डर तो निकालना, अगर डर नहीं करा दबंग नहीं बनोगे तो कैसे काम चलेगा? नहीं तो हम कुचले जाएंगे सारे, एक एक करके पिटते रहेंगे। लोग राजनीति की बात करते हैं सर, आज बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी थी, जो अब यूपी में बात करते हैं, यूपी में अच्छा बहुमत मिलता था, लेकिन आज यूपी में भी सिर्फ एक सीट तक सीमित कर रह गई है, क्या कहना चाहेंगे सर, क्या कारण है गर्त में जाने का? सर यही है सर, हमारे दो हर जगह बट चुके हैं ना सर, दो पार्टियों में बट गए, हर हर संगठनों में बट गए, इसीलिए इन लोगों ने हमारे को फायदा उठा लिया, और तो कोई कारण नहीं है। बहन जी अभी तैयार फिर करेगी, बहन जी उठेगी, बहन जी फिर आए। कितना समय लग पाएगा दोबारा से उसी स्टेज पाने में? सर मिनिमम 5-6 साल तक। 5-6 साल की अगर हम बात करते हैं तो हम अगला चुनाव भी हम सर अगर खोना पड़ेगा, बहन जी अगर संघर्ष करेगी तो नहीं खोना पड़ेगा, बहन जी संघर्ष करती रहेगी, अगर यूपी में हर जगह देखेगी तो अगला चुनाव बहन जी का ही होगा। हरियाणा में आज बीजेपी की सरकार है और आप भिवानी जिले से बिलोंग करते हैं और भिवानी नगर परिषद में 500 करोड़ से भी ज्यादा का घोटाला हो चुका है, जब जाहिर हो चुका है, जिसमें नगर परिषद के अधिकारी भी सलाखों के पीछे जा चुके हैं, कुछ बिचौलिए सलाखों के पीछे जा चुके हैं, नगर परिषद के जो चेयरमैन हैं रण सिंह यादव जी, वो भी सलाखों के पीछे जा चुके हैं,
नगर परिषद के अकाउंटेंट हैं वो भी सलाखों के पीछे हैं, वाइस चेयरमैन के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज है और लगातार घोटाले पर घोटाले उजागर हो रहे हैं। बीजेपी और जेजेपी की सरकार है और चेयरमैन बीजेपी का है, वाइस चेयरमैन जेजेपी का है, तो क्या कहना चाहेंगे इन आरोपियों, इसमें लोगों को न्याय मिल पाएगा, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हो पाएगी? सर कार्रवाई तो अगर सरकार चाहे तो सब कुछ हो सकता है सर, सरकार करेगी कि नहीं सर? एमएलए तक भ्रष्टाचार कर रहे हैं सर, उनकी एकलो की नहीं है, एमएलए तक मिले हुए हैं सर उनमें, जब तक वो गिरफ्तार नहीं होंगे तो छोटे छोटे कर्मचारी गिरफ्तार कर लेते हैं उसमें मामला दब जाता है सर। एक अगर बड़ा अधिकारी बड़ा सांसद अगर कोई भी घपला करता वो अंदर सलाखों के पीछे जाने के बाद ये चारा खत्म होगा, नहीं होगा सर। और हम बात करते हैं नगर परिषद चेयरमैन के चुनाव की, तो नगर परिषद के चेयरमैन का जो चुनाव था वो भी अवैध था, तो इसका भी एक केस हाईकोर्ट में गया था और माननीय हाईकोर्ट ने उसको अवैध करार देते हुए उनके काम करने पर रोक लगा दी थी और आदेश दिए थे डीसी को भी, डीसी काम करे तब तक नेक्स्ट फैसला नहीं हो जाता है। अगली हियरिंग से पहले जिस व्यक्ति ने केस किया था उसने विड्रा कर लिया केस, वो हो सकता है किसी दबाव में किया या पैसे लेकर समझौता किया, पैसे लेकर के समझौता करके उन्होंने विड्रा किया, क्या कहना चाहेंगे सर? पैसे से भी होता है सर, सर किसी को सीबीआई जांच के लिए दबाया जाता है, कोई कुछ डरा, ये सरकार सबको दबा रही है, कोई आदमी आगे बढ़ता है उसी को दबा देती है, कभी सीबीआई जांच के लिए कहीं मुकदमा लगा के दिखा देती है, मुकदमा लगाएंगे डरा देती है, धमका देती है, पैसा देती है, अगर नहीं लेते तो उसको सलाखों में डाल देते तो आदमी पीछे हट जाए। और अभी हाल ही में कूड़ा करकट का भी एक मामला आया है, कूड़ा करकट का जो दादरी रोड पर जो डिस्पोजल है यहाँ पर कूड़ा करकट इकट्ठा किया जाता है, कूड़ा करकट का भी एक 10 करोड़ का घपला सामने आया है जिसमें 3 करोड़ की तो पेमेंट की जा चुकी है, जबकि कूड़े को करकट को हाथ तक नहीं लगाया गया, 3 करोड़ की पेमेंट ठेकेदार को जा चुकी है। सर ठेकेदार अकेले को नहीं जा चुकी है सर, सभी भ्रष्टाचारों के पास जा चुकी है, ऊपर तक गई है सर, एमएलए तक पहुंची है सर, इसीलिए कुछ आवाज नहीं उठ रही सर। हमारे देश के नेता अगर बेईमान नहीं होते तो हमारा देश आगे चला जाता। और जेजेपी के जो प्रदेश के प्रभारी थे स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ के, उन्होंने इस भ्रष्टाचार को लेकर जेजेपी से रिजाइन दे दिया है, आप कार्रवाई नहीं करती इसलिए मैं रिजाइन दे रहा हूँ। और जो लगातार 7 बार से पार्षद ईश्वर वान जी जो जेजेपी के प्रदेश के प्रभारी थे स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ के, उन्होंने रिजाइन दिया और जेजेपी से, और वो सरकार के खिलाफ नगर परिषद के सामने धरने पर बैठे हैं और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जब सरकार में शामिल लोग इस तरह की डिमांड उठाते हैं और रिजाइन देते हैं तो क्या आम आदमी को इस आवाज को बुलंद नहीं करना चाहिए? आम आदमी को भी करना चाहिए बोले तो उनका साथ देना चाहिए, मैं तो ये कह रहा हूं, क्योंकि नगर परिषद में जो 500 करोड़ का घोटाला हो वो सारा पैसा आम आदमी का पैसा था, अब आम आदमी अगर आवाज नहीं उठाएगा तो फिर कौन उठाएगा? सर आम आदमी को ही आवाज उठानी पड़ेगी नेताओं के खिलाफ, अगर आम आदमी जब ये गांव में जाए तो इनसे पूछा जाए कि आपने हमारे गाँव के लिए क्या क्या किया है, और हम क्या करते हैं सर, हम लोगों में बहुजन समाज में लगा लो गरीब तबके में लगा लो, तो हम अगर एक राशन कार्ड के लिए 5 किलो चून के लिए बेचते हैं सर, इनको पूछा जाए मेडिकल और हमें मेडिकल और शिक्षा दो फ्री ऑफ कॉस्ट, हम 5 किलो चून तो कमा के भी खा सकते हैं सर। तो भीमसेना का भिवानी नगर परिषद के घोटाले को लेकर के क्या रुख रहेगा, क्या कोई आंदोलन करने जा रही होगा? सर हम एक बार कमेटी से डिस्कस करेंगे, हमारी टीम से पदाधिकारियों से, और उसके बाद हम बता पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका भी। तो ये थे हमारे साथ प्रदीप भारवास जी जो प्रदेशाध्यक्ष हैं भारतीय भीम सेना के, अनेक मुद्दों पर चर्चा की गई, भिवानी नगर परिषद के घोटालों के बारे में भी बातचीत की गई और प्रदेश भर में दलित उत्पीड़न की जो घटनाएं घट रही हैं उन पर भी चर्चा की गई। धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं वेद प्रकाश साहब जया के साथ धाकड़ है हरियाणा में आपका पुनः धन्यवाद है। ये वीडियो आपका कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय दें।